हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास सेकंड की लेसन नंबर सेकंड अलादीन एंड द जीनी। इस स्टोरी में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में बहुत सारे करेक्टर हैं। और सबसे पहले देखिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम करेक्टर्स देख लेते हैं। देखिए अलादीन कौन है? एक पुअर टेलर सन, ये पुअर दर्जी का बेटा है, गरीब दर्जी का बेटा है अलादीन। और जरीना जो है अलादीन की मदर का नेम है। द जीनी जो है एक लैंप का सर्वेंट है। मुस्तफ़ा अलादीन के फादर का नेम है, जो जिनकी डेथ हो चुकी है। विक्ट विजार्ड जो है एक बुरा जादूगर है इस स्टोरी में, और वो अलादीन को झूठ बोलता है कि वह उसके अंकल हैं, उसके चाचा हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सीन फर्स्ट में क्या है। In an evening, Aladdin and his mother are eating a simple meal of dry bread and vegetable soup. एक शाम को अलादीन और उसकी मदर खाना खा रहे थे। सिंपल मील मतलब साधारण खाना खा रहे थे। कौन सा? ड्राई ब्रेड, सूखे हुए ब्रेड और सब्जियों का सूप। अलादीन कहता है, मदर आई मेट माई अंकल इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग। अलादीन कहता है कि माँ, आज सुबह गली में मुझे मेरे अंकल मिले थे। जरीना सरप्राइज, योर अंकल? डिड ही टेल यू हिज नेम? फिर जरीना हैरान होते हुए पूछती है कि तुम्हारे अंकल? क्या उन्होंने तुम्हें अपना उनका नेम बताया? अलादीन, ही सेड ही इज फादर्स ब्रदर। अलादीन कहता है, वह बता रहे थे कि वो पापा के भाई हैं। जरीना, मुस्तफाज ब्रदर? फिर जरीना देखो यहाँ पे क्या हैरान होती कि मुस्तफा का भाई, व्हाट डिड ही से, क्या कह रहा था वो? तो इतने में अभी क्वेश्चन पुटअप हो ही रहे थे, वो उससे पूछ ही रही थी जरीना। समवन नॉक्स एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटाता है। व्हाट्स दैट नॉइस, किस चीज की आवाज है ये? हु इज देयर, वहां कौन है? अलादीन गो एंड फाइंड आउट, अलादीन बाहर जाता है और देखता है। अलादीन गोज एंड ओपन द डोर, ग्रीटिंग अंकल। मदर मदर कम क्विकली, अंकल हैज कम टू सी अस। फिर देखिए क्या होता है, अलादीन दरवाजा खोलते हुए अंकल का अभिवादन करता है, उनका स्वागत करता है, और फिर कहता है कि मदर मदर, माँ माँ जल्दी से बाहर आओ, देखो अंकल हमसे मिलने आए हैं। विजार्ड, ग्रीटिंग टू यू अलादीन। फिर विजार्ड कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई अलादीन। जरीना कम्स टू द डोर, अब जरीना भी दरवाजे पर थी, तो फिर वो विजार्ड जो है जरीना को भी कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। जरीना, हु आर यू? How do you know my name? I don't know you. फिर जरीना कहती है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखिए पुट करती है, वो कहती है तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। विजार्ड कहता है जरीना, don't you remember me? I am your dead husband's brother. अब विजार्ड कहता है कि जरीना, क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैं तुम्हारे मृत हस्बैंड का भाई हूँ, मरे हुए पति का भाई हूँ। जरीना, मुस्तफाज ब्रदर? फिर जरीना हैरान होती है, कहती है कि अरे, उसको क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फिर वो रिमाइंड करती है कि मुस्तफा का भाई, आफ्टर ए सो मैनी टाइम, इतने सालों के बाद, प्लीज कम इनसाइड, डू सिट डाउन। कहते हैं कि मुस्तफा का भाई और इतने सालों के बाद, फिर उसको अंदर बुलाती है कि आओ अंदर आके बैठो। विजार्ड, थैंक यू, पीस बी अपॉन यू टू अलादीन। अब विजार्ड धन्यवाद देते हुए अलादीन को कहता है, तुम्हारा मन शांत हो, आई नीड योर हेल्प। फिर कहते हैं कि अलादीन, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। टुमोरो आई मस्ट टेक आउट द ट्रेजर विच आई हैव हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस। कल मुझे खजाना लेने के लिए जाना होगा, जो मैंने एक रहस्यमय जगह पर छुपा रखा है। Will you get it for me? क्या तुम वो मेरे लिए लेके आओगे? I will make you very rich if you help me. मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो। अलादीन कहता है, of course, क्यों नहीं अंकल, I will get your treasure for you. फिर अलादीन क्या कहता है कि क्यों नहीं अंकल, मैं वो खजाना आपके लिए लेकर आऊंगा। विजार्ड, थैंक यू, वी विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। अब फिर विजार्ड कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद, हम कल सुबह ही जल्दी निकलेंगे। अब देखते हैं सीन सेकंड क्या है। सीन सेकंड,
अलादीन एंड द विजार्ड आर इन ए नैरो वैली। अब अलादीन और जो विजार्ड था एक नैरो, मतलब नैरो होता है, तंग घाटी में गए। द विजार्ड लाइट्स ए फायर एंड थ्रोज ए मैजिक लैम्प, मैजिक पाउडर इन इट। अब जो विजार्ड था, जादूगर था, वो एक आग जलाता है और उस पर एक मैजिक पाउडर छिड़कता है। द अर्थ शेक्स टेरिबली, और जो धरती, जब वो आग जला के उस पर मैजिक पाउडर डालता है तो धरती जो होती है टेरिबली, बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत बुरी तरह से हिलने लग जाती है। एंड द ग्राउंड ओपन, और धरती खुल जाती है। देर इज ए बिग स्क्वेयर स्टोन विद ए राउंड ब्रास रिंग ऑन इट। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्वेयर टाइप का पत्थर होता है जिस पर जो है ब्रास की रिंग लगी होती है। अलादीन इज एस्टोनिश। अब यहाँ जो है ये सब देख के अलादीन बहुत हैरान हुआ। विजार्ड, विजार्ड कहता है अलादीन पुल अप द ब्रास रिंग, अलादीन इस ब्रास रिंग को खींचो। अलादीन, यस अंकल, अलादीन कहता है हाँ अंकल, पुल्स अप द राइट, अब फिर पुल्स अप द रिंग। अब अलादीन उस रिंग को खींचते हुए कहता है हाँ अंकल खींचता हूँ। देन स्टोन मूव्स टू वन साइड, तब जब वो उसको खींचता है रिंग को तो जो पत्थर है एक साइड से हट जाता है। ही सीज ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, उसे अब नीचे बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। विजार्ड, Now go down and look for an old lamp. Bring it to me. Then take what you want from the cave. अब कहते हैं कि विजार्ड उस अलादीन को कहता है कि जाओ अब नीचे जाओ और एक पुराना लैंप देखो और उसे मेरे लिए लेकर आओ और गुफा में से जो तुम्हें चाहिए वो तुम अपने साथ ले आओ। अलादीन, यस अंकल, अलादीन कहता है हाँ हाँ जी अंकल। Goes down and enter an enormous cave. फिर वो अंकल जो है अलादीन उस बड़ी सी गुफा में, एनॉर्मस होता है बहुत बड़ी, उस बड़ी सी गुफा में अंदर जाते हुए कहता है जी अंकल। अलादीन, इट्स वेरी डार्क इन हेयर, अलादीन कहता है कि यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है। बट व्हाट्स दैट शाइनिंग ओवर देयर, लेकिन वहां पर ये क्या चीज चमक रही है। रब्स हिज आईज, फिर वो अपनी आंखों को रगड़ता है, मसलता है। गोल्डन ज्वेल्स, फिर आंखों में मसलते कहते हैं अरे ये तो गोल्ड और ये तो सोना है, ये तो ज्वेलरी है, आभूषण है। व्हाट शैल आई टेक विद हिम विद मी, मैं इनमें से क्या लेके जाऊं अपने साथ। दिस बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, क्या ये जो बॉक्स है जो आभूषणों से भरा हुआ, ये बॉक्स ले जाऊं, या फिर जो ये बैग है, दिस बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइंस, या ये सोने से सिक्के, सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग लेके जाऊं। नाउ वेयर इज द लैम्प, अब ये लैम्प कहाँ है, ये सब जो है अलादीन अपने आप से कह रहा है कि अब ये लैम्प कहाँ है। आह, देयर इज इट इज, अरे ये तो वो रहा। आई वंडर वाई अंकल वांट्स दिस डर्टी ओल्ड लैम्प, मैं हैरान हूँ कि अंकल ये पुराना जो है इतना गंदा और पुराना लैम्प क्यों लेना चाहते हैं। विजार्ड, अब देखिए विजार्ड बाहर खड़ा खड़ा क्या कहता है, हरी अप Bring me the lamp quickly. अब विजार्ड बाहर खड़ा खड़ा कहता है कि जल्दी करो ये लैंप मुझे दो। अलादीन, I am coming uncle, मैं आ रहा हूँ अंकल। I have the lamp, मेरे पास लैंप है। Starts climbing up the stairs. अब वो जो अलादीन था सीढ़ियों चढ़ते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ अंकल, मेरे पास ये लैंप है। I will give it to you. मैं ये लैंप आपको दे दूंगा। But first let me come out into the open air. लेकिन मुझे पहले खुली हवा में ऊपर आने दो। विजार्ड कहता है यू विक्ट बॉय, अरे गंदे बच्चे, तुम गंदे बच्चे हो। गिव इट टू मी एट वंस, मुझे अभी के अभी ये लैंप दे दो और आई विल पनिश यू, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आई विल शट यू अप इन द केव, मैं तुम्हें इसी गुफा में बंद कर दूंगा। विजार्ड एंगरली, देन स्टे इन द केव, अब जो विजार्ड था वो गुस्से से बोलता है तो रहो इसी गुफा के अंदर। Throw some magic powder on the square stone and shouts a spell. फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर जो स्क्वेयर स्टोन था, पत्थर था, उसके ऊपर जादुई पाउडर छिड़कता है और कुछ मंत्र बोलता है। The stone moves and shuts the cave. अब जो पत्थर खिसकता है और जो गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। I can't get the lamp myself. मैं ये लैंप अपने आप नहीं ले सकता, मैं खुद ये लैंप नहीं ले सकता। Someone has to get it for me. कोई तो मेरे लिए लैंप लेकर आएगा। If I try to get it, I will die. अगर मैं ये खुद लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। कौन कह रहा है ये? विजार्ड कह रहा है। अलादीन,
I can't get out. Help, help, uncle. Why have you shut me in? Subhing, oh, what shall I do? If I light this old lamp, I may find my way out. I will clean it first. अब देखो अलादीन क्या कहता है कि मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, अंकल मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. वो चिल्लाता है, अंकल मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे इस गुफा में क्यों बंद कर रहे हो? सोबिंग, सोबिंग मीन्स होता है सुबकते हुए, मतलब रोते हुए सुबकते हुए कहता है, व्हाट शैल आई डू, अरे अब मैं क्या करूँगा. If I light this lamp, फिर वो रोते हुए कहते हैं कि मैं क्या करूं? तो फिर वो कहते हैं कि चलो मैं सबसे पहले इस लैम्प को जलाता हूं, इस पुराने लैम्प को जलाता हूं, और इसके थ्रू मैं अपना बाहर जाने का, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा. I will clean it first. तो सबसे पहले मुझे इसको साफ करना होगा. Takes the lamp and rubs it on his shirt. अब वो लैम्प लेता है और उसको अपनी शर्ट से रब करता है, रगड़ता है, साफ करता है. ए जिनी अपीयर, जैसे ही उसको रगड़ता है तो एक जिनी है उसको, उसके सामने एक जिनी आ जाता है. जिनी, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लैम्प. जिनी कहता है कि मैं इस लैम्प का सर्वेंट हूँ. माई होम इज इन द लैम्प, मेरा घर इसी लैम्प के अंदर है. एंड द मैन हु ओन्स द लैम्प एंड द लैम्प ओन्स मी. अब कहते हैं कि जो इस लैम्प का मालिक होगा ना, वही मेरा मालिक होगा. What are your wishes? तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? अब जीनी उससे इच्छा पूछ रहा है कि तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं. अलादीन, am I dreaming? Pinches himself. Ouch. I'm awake. अब कहे अलादीन कहता है कि क्या मैं सपना ले रहा हूँ? फिर वो अपने आप को चुटकी काटता है और कहता है आउच. जैसे वो चुटकी काटता है, अरे ये तो मैं जाग रहा हूँ. This is magic genie. ये तो कोई जादुई जीनी है. Can you take me home along with all these jewels? क्या तुम, अब उसको कहता है जिनी को, क्या तुम मुझे इन सभी ज्वेल्स के साथ मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? जिनी कहता है certainly master, away we go. तो फिर कहता है कि जिनी कहता है कि अवश्य मेरे मालिक, और फिर वो ये कहकर उसको ले जाता है. अलादीन मोमेंट लेटर, ओ आई एम बैक इन माई हाउस अगेन. फिर अलादीन कुछ टाइम के बाद अलादीन कहता है, अरे मैं तो अपने घर वापस आ गया. जिनी, थैंक यू, यू सेव माई लाइफ. फिर वो जिनी को धन्यवाद देता है और कहता है कि तुमने तो मेरा जीवन बचा लिया. जरीना, जरीना कहते कि अलादीन, अलादीन व्हाट हैपन. फिर वो जरीना कहती है अलादीन, अलादीन बेटा क्या हुआ. ही टेल्स हिज मदर द होल स्टोरी. फिर वो अपनी मदर को पूरी कहानी बताता है. जरीना कहती है दैट वॉज नॉट योर अंकल. जरीना कहती कि वो तुम्हारे अंकल नहीं थे. ही वॉज ए विक्ड विजार्ड, वो तो कोई बुरा जादूगर था. रिमेंबर वन थिंग, एक चीज हमेशा याद रखना, नेवर टॉक टू द स्ट्रेंजर्स. कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना, अजनबी से बात मत करना. एंड टेल देम वेयर यू लिव, और ये मत बताना कि तुम कहाँ रहते हो. अलादीन कहता है कि यस मदर, आई विल रिमेंबर दैट. हाँ माँ, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा. अलादीन बिकेम वेरी रिच विद द हेल्प ऑफ द जीनी. और अलादीन जो है उस जीनी की हेल्प से बहुत ही अमीर हो जाता है. ही एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली एवरी एवर आफ्टर. और उस दिन के बाद से अलादीन और उसकी मदर बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हुई आपकी स्टोरी द अलादीन एंड द जीनी. इस स्टोरी से आपको शिक्षा क्या मिलती है? देखिए, इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर पर, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए. उन्हें हमें ना तो अपने बारे में बताना चाहिए और ना ही अपने फैमिली के बारे में, और ना ही ये बताना चाहिए कि आप कहाँ रहते हो. उनकी बात पर विश्वास करके आपको उनके साथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए. तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है. ऐसे व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपके लिए खतरा भी हो सकते हैं. तो आई होप आप इन बातों का आगे से ध्यान रखोगे, और आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.